धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय सरकार संस्थान खोले, धन्यवाद सर, धन्यवाद। श्री कल्याण काले जी, कल्याण काले जी, धन्यवाद, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मुझे आपने बजट के अवसर पर कृषि मंत्रालय के अंदर जो आने वाले एनिमल हस्बेंडरी और फिशरी विभाग पे मेरी बात रखने का अवसर दिया। मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद देता हूं। और कृषि मंत्रालय के अंदर जो बजट पेश किया गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी है कि कुछ जगह बजट की बहुत बड़ी कटौती भी हुई है। जैसे कि हमारे 369 करोड़ रुपया डिक्रीज़ किया है, जो 64.55% तक आता है, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर 2022-23 में जो हुआ था, जिसमें अध्यक्ष महोदय मैं और ये बात और भी कहूँगा कि जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन की बात हमारे एक सहयोगी सदस्य ने की, वो गोकुल मिशन के अंदर ये साल में बजट में कोई प्रोविजन ही नहीं किए है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि गोकुल मिशन के अंदर हम लोग ये साल कुछ देने वाले हैं या नहीं, और यदि देना है तो मैं आगे मेरा कुछ सुझाव रखूँगा। ये भी बात मैं आपसे, आपके माध्यम से सरकार को और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को और हमारे जो एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट उनको कहना चाहूँगा। उसी के साथ साथ और जो गए 19, 20, 22 और 23 के अंदर हमारे देश के अंदर राजस्थान से जो शुरू हुआ था, जो लंपी नाम की डिसीज थी, स्किन डिसीज, वो जो वायरल है सारे अपने हिंदुस्तान के अंदर गया, और उसमें करीब करीब 2 लाख गाय भैंसे ये लोग उसके अंदर चले गई, डेथ हुई। और सरकार ने उसके अंदर जो किसानों को जो राहत दिलाने के लिए कुछ राशि देनी चाहिए थी वो भी दी नहीं। करीब करीब 50,000 का एक गाय और भैंस की कीमत थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे फौर एक बात और करूँगा। उसके साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर खास तौर से विदर्भ और मराठवाड़े में बारिश की कमी होने की वजह से हमेशा काल का सामना करना पड़ता है, और उस तरह वो उसकी वजह से किसान यदि आत्महत्या न करे, यदि खुदकुशी न करे, इसलिए कुछ सॉल्यूशन ये दूध व्यवसाय के माध्यम से, डेयरी के माध्यम से हम लोग उनको कुछ देना चाहते हैं। और यदि देना है तो गवर्नमेंट ने कुछ न कुछ इसके बारे में क्लस्टर जोन का डेवलपमेंट करना चाहिए, ये मेरा सुझाव इसके अंदर रहेगा। वो क्लस्टर के अंदर हमारे बहुत सारे सहयोगी सदस्य ने बताया, हमारी जो देसी नस्ल है वो उसके अंदर उसकी डेवलपमेंट हो, और वो क्लस्टर के अंदर सारी चीज़ें एक जगह हमको मिले। जैसे कि 10 गाय गोकुल मिशन में हमने 200 गाय का एक काम किया है, वो क्या किया पता नहीं, किसको दिया, लेकिन यदि 10 गाय का एक यूनिट यदि हमारे छोटे फार्मर को, छोटे किसानों को दिया जाता था, और वो क्लस्टर यदि एक 10 गांव में 25 गांव में बढ़ाया जाता था, तो वो वहाँ का डेवलपमेंट कुछ ना कुछ बढ़ता था, वहाँ फिर सारी फैसिलिटी काश्तकार को, फार्मर को हमको देना, किसानों को देने को आसान जाता था। जैसे कि आज के तारीख में मैं आपको, आपसे बात किया, मराठवाड़ा और विदर्भ में हमारे अकाल होता है, बारिश कम होती है, तो सबसे बड़ी चिंता तो ये बात की रहती है कि फॉर्डर मैनेजमेंट कैसी हो, उनका खाद के बलिए बारे में क्या करें, इसलिए वो क्लस्टर में हो जाए तो मैं और एक बात फॉर्डर के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में कहूँगा कि जो छोटी छोटी साइलेज बनाने की मशीन है, साइलेज बनाने के लिए बेल्स मशीन आती है, वो यदि हम फार्मर को अनुदान पे दे, सब्सिडी पे दे, ताकि उसमें वो कुछ प्रिजर्व करके रखे साइलेज में, जो हमारा जिसको मराठी में मूर घास बोलते हैं, वो उसके लिए बंकर बनाए, उसके लिए बेल का मशीन दे, ताकि ये फॉर्डर का प्रॉब्लम हमेशा के लिए हमारे फार्मर का खत्म हो जाएगा, और अकाल के बारे में जो लोग चिंतित है वो चिंतित नहीं रहेंगे, और जो लोग आत्महत्या करते हैं वो नहीं करेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा। और असलियत ये, और एक दूसरी बात ये अध्यक्ष महोदय, थोड़ी देर अध्यक्ष, मैं दूध पे बोल रहा हूँ, किसानों पे बोल रहा हूँ, पहली बार बोल रहा हूँ, जरा थोड़ी और थोड़ा समय दीजिए। दूध के बारे में मैं अध्यक्ष महोदय ये कहूँगा कि बहुत बड़ी तादाद में मिलावट दूध में होती है, और उसकी वजह से दूध के दाम किसानों को कम मिलते हैं। यदि ये मिलावट रुक जाए तो किसानों को दाम अच्छे मिलेंगे। और दूसरी बात वो ये भी है कि दूध की मिलावट के साथ साथ एक तरफ दूध की पाउडर भी
हमारी गवर्नमेंट और बाहर देश से इंपोर्ट करती है और उसकी वजह से भी पाउडर प्लांट वाले भी दूध के दाम नीचे गिरा देते हैं। जाते जाते मैं इतना ही कहूंगा अध्यक्ष महोदय कि हमारे विदर्भ और मराठवाड़े के अंदर एनडीडीबी में और वीएमडीडीबी ने एक फ्रूट एंड वेजिटेबल लिमिटेड ये कंपनी से मदर डेयरी का एक एग्रीमेंट किया है। वो एग्रीमेंट के तहत अध्यक्ष महोदय की एक ही चीज रहे अध्यक्ष महोदय, वो जो विदर्भ और मराठवाड़े में जिले लेना चाहिए सब जिले लिए नहीं है, वो सबके सब डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर समाविष्ट हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। थैंक यू। ताकि वो काम अच्छा बने। एक ही बात रही अध्यक्ष महोदय, और जो ये जो दूध डेयरी का बिजनेस है अध्यक्ष महोदय, उसको एक इंटरप्रेनर और एक इंडस्ट्रियल बेस पे उसको देखा जाए ताकि वो आगे जाके अच्छा से अच्छा काम हो जाए। और जाते जाते एक ना कहूंगा, हमारी सारी हिंदुस्तान के अंदर क्या बोलते हैं अध्यक्ष महोदय, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता बोलते हैं अध्यक्ष महोदय, और गाय को देशी गाय को कोई भी योजना हमने लागू की नहीं है। तो मैं आपसे सरकार की आपके तरफ से सरकार से विनती करूंगा, और सबसे अहम चीज जाते जाते एक बोलूंगा अध्यक्ष महोदय, गाय के लिए कोई इंश्योरेंस का प्रावधान नहीं रखा है। आदरणीय सदस्य जी अमराराम जी प्लीज। माननीय अध्यक्ष पद सभापति महोदय, मैं मछली पालन पशुपालन और डेयरी पे